हेलो इधर वीरेंद्र जी कि आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं चाहूंगा उनको पगड़ी पहना के उनको सम्मानित करेंगे। ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है सर, पूरे कांग्रेस के पार्टी से लोग आएंगे, ग्रुप के साथ साथ दूसरे ग्रुप भी, जितने भी अपने शैलजा मैडम के। देखिए ये सबका कार्यक्रम है, कौन कौन आएगा वो 2 तारीख को ही पता लगेगा। और इसमें देखिए कई तरह की बातें हैं, छत्तीसगढ़ में भी निकट भविष्य में चुनाव आ रहा है, वहाँ पे एनजी जो है वहाँ पर प्रभारी है, जनरल सेक्रेटरी बहुत बड़ी ड्यूटी है, आ भी सकती है ना भी है, कह नहीं सकते। और हम तो उनको इनवाइट करेंगे, अब वो आ पाते कि नहीं आ पाते ये तो उनके ऊपर है, लेकिन आप इसको गुटबाजी में क्यों लेते हैं। हमारे रणदीप सुरजेवाला है, वो कर्नाटक के प्रभारी है, वहाँ पर अभी 2 महीने बाद चुनाव होने, मई में ही चुनाव होने, किसी भी दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है, वहाँ पर वो व्यस्त है। ये 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 पर्टिकुलर किसी का आदमी लेकर के, किसी का नाम लेकर के वो नहीं है। हमसे ज्यादा गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में, हमारा कोई नहीं कहता, इनके मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं अरविंद शर्मा कि हमारा मुख्यमंत्री खट्टर में दिमाग ही नहीं है, वो दिमाग से काम ही नहीं लेता। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं, बिल्कुल वो उस रोज आलोचना करते हैं कि इनकी सारी प्रोग्राम पॉलिसी वो सब बेकार है। जो चौधरी बीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं, बेटा भी एमपी है, उनसे पूछ लो किस तरह से वो रोज बीजेपी के इनके खट्टर के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो ये नहीं, हमसे ज्यादा गुटबाजी बीजेपी में है, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। और ये कोई डिक्टेटर पार्टी नहीं है, कोई चुटाला की जो बोले तो उसको काट पकड़ के बाहर निकाल दो, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इनमें प्रक्रियाएं होती है, इनमें साथ होता है, सबका साथ देना पड़ता है, कई तरह की उसमें रहती है। तो हमारा संगठन, आप चिंता ना करें, ये हमारी चिंता है, संगठन बहुत मजबूत है। क्या युवाओं की भी भूमिका रहेगी टिकट? सबकी भूमिका रहेगी, हर एक, हम खास करके युवाओं को तो 50 साल की उम्र तक को हमने 50% सीटें देनी है, 50% पद देने हैं, उसमें युवाओं को तो, युवाओं के तो सबसे आगे सक्रिय रखना, लेकिन सारा अनुभव भी चाहिए और युवा शक्ति भी चाहिए, दोनों का तालमेल मिला करके चलेंगे, सभी की आवश्यकता है। तो युवा और जो हमारे सीनियर जो लीडर हैं, वरिष्ठ नेता, उन सबका समन्वय बनाकर कोऑर्डिनेट करके। सर, जो हरियाणा में सरपंच इस टाइम अपनी बात को लेकर सरकार से अड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखो ये कैसी सरकार है, इन्होंने 2 साल तक तो सरपंचों के पंचायतों के चुनाव नहीं कराए, और ऐसा दिखावा करेंगे मीडिया के सामने और वैसे कि हम ये छोटी सरकार है और चुनी हुई जो है ना ये वो पढ़ी लिखी सरकार है, पढ़ी लिखी सरकार है, हम इनको बहुत अधिक, इनको हम अधिकार संपन्न बनाएंगे। और अधिकार संपन्न ऐसा बनाया कि 20 लाख से ऊपर जो 20 लाख तक की पावर थी सरपंच की, उसको 2 लाख में समेट दिया, और ये कह दिया कि ये सरपंच तो बेईमान है, इसलिए इनकी सीमा 2 लाख तक, 28% GST, 56,000 उसमें कट जाएगा, 1,44,000 में क्या कोई सरपंच किसी पंचायत में, कोई चौपाल, कोई परातघर, कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई कोई सड़क, कोई और कोई भी जो काम, क्या वो 1,44,000 रुपये में हो सकता है? सरपंच जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो तो बेईमान है, और JRSDO ईमानदार बना दिए, जिनके जरिए कमीशन 2 साल तक माल खाते रहे, ऊपर तक इनके MLA और मंत्रियों तक जाता रहा, वो खून मुंह लगा हुआ है, इसलिए सरपंचों को अधिकार दे नहीं, और उनको भयभीत करने लगे, डराने के लिए कॉल टू रिकॉल, उनको वापस, अरे पहले अपनों पर लागू करो, पहले अपनों पर लागू करो कॉल टू रिकॉल, कि भाई जो इनको ये अधिकार दे रहे हैं या उनको बिल्कुल पंगु बनाया जा रहा है। सारी पंचायती राज व्यवस्था को उन्होंने खत्म करने का, फिर सरपंच भी जनता के चुने हुए लोग हैं,
वो भूल जाएंगे, वहां गए थे अपनी मांग के लिए, जिस तरह से बेरहमी के साथ उनकी पिटाई की गई, जिस तरह से उनको बरबर लाठी चार्ज किया गया, 17-18 सरपंच अस्पताल में उनको दाखिल होना पड़ा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। जनता को ये जनता भूल नहीं सकती। हरियाणा प्रदेश की जनता का अपमान है जिन लोगों ने चुन करके उन सरपंचों को भेजा है, और वो तैयार बैठे हैं इसका जवाब बहुत मजबूती के साथ पूरे हर गांव से हर जगह से इनको इसको जवाब मिलेगा। सर अब सैलरी इनकी बढ़ा दी गई है, पंचों और सरपंचों की सैलरी बढ़ाने की बात कोई इनके बहकावे में नहीं आता, कोई सरपंच इनके बहकावे में नहीं आता। जो सरपंचों के साथ व्यवहार किया गया है, जो उनका जो अपमान किया गया है, अपने अपमान को कोई भूल नहीं सकता। पैसा क्या है, क्या उसको कोई थोड़ी सैलरी बढ़ा दी, वो कोई ऐसे नहीं है बिल्कुल को भूखे लगे हों, वो भी ज्यादातर सब ठीक साधन संपन्न है, कुछ ही है जो थोड़ा गरीब भी है कमजोर भी है, लेकिन स्वाभिमानी है, सम्मान है, वो अपने सम्मान को जिस तरह से उनको नोचा गया, सम्मान को उनको गिराया गया, जिस तरह से उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई, उसको वो भूल नहीं सकते। ये चुनाव आज करा दें, इनका ये सिंगल डिजिट में समट जाएंगे। आज पूरी तरह से इनके खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ है सभी गांवों में, ये गांवों में घुसने इनके मुश्किल हो जाएंगे। सर अभी तक संगठन का आप मतलब बंद क्यों नहीं पाए, पूरे हरियाणा में अभी तक पार्टी के अध्यक्ष शायद आप हमें थोड़ा लेट आएंगे, अभी अभी आए, अभी संगठन के बारे में बताइए। हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ब्लॉक की, डिस्ट्रिक्ट की, प्रदेश की, सारे जो हमारे प्रदेश सिलेक्शन कमेटी, प्रदेश एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जिनका कार्य कर रखा है, वो जिला अध्यक्ष सारा किसी भी समय कभी भी लिस्ट आ सकते हैं। देखिए टिकट दी जाएगी, वो कोई कोटा से नहीं दी जाएगी, मेरिट से दी जाएगी। जो आगे होगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो सर्वे में आगे निकलेगा उसको टिकट। सर्वे होगा, सर्वे पार्टी सर्वे कराती है, आप समझ दो हमको ये जरूर थोड़ी है हमारे। सर लास्ट चुनाव में, सर पिछले चुनाव में कौन सा सर्वे कराया था बता देंगे, फिर हमारे पास क्या रहेगा। सर पिछली बार कौन सा सर्वे कराया था, यमुनानगर में जो टिकट दिया गया वो कौन से सर्वे के तहत दिया गया? वो कोटा से दिया था, अब सर्वे से होगा। वो अलग है, अलग अलग रहेगी, बाकी ये अलग है। बहुत स्वागत है जी, प्रधान जी बहुत धन्यवाद आपका। रमी रेड्डी